हर हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत लरनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव बंधु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, उस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिवगुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। जो कथा शिव से जुड़ी होती है वो कथा सुंदर होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक मछुआरा था और उनकी पत्नी थी। वो मछलियाँ मारते थे, जाल फेंकते थे, मछलियाँ लाते थे और उनसे बेचकर और उनसे परवरिश करते थे। उनका दो बेटे भी थे, धीरे 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 दोनों बेटे भी वही काम करते थे जो उनके पिताजी करते थे, वही काम दोनों बेटे भी करते थे। बेटे का तालाब बहुत बड़ा बड़ा था, दोनों बड़ा बड़ा तालाब बना चुके थे, खरीद लिए थे। और ये जो मछुआरा, बूढ़ा मछुआरा थे, उनका तालाब छोटा था, और उनका समय भी ढल चुका था, उनका उतना शरीर काम नहीं करता था मछली फंसाने में। लेकिन वो उनके घर बंटवारा का हो गया और दोनों बेटे अलग अलग हो गए, तो मछुआरा जो थे दोनों बेटे, तो उनका दोनों बेटे कोई खर्चा माता पिता को नहीं देते थे, दोनों बेटे अलग अलग रहते थे और बोलते थे कि माता पिता खुद ही, उनका एक तालाब है, उस तालाब में से मछली अपना मारेंगे, बेचेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। एक दिन का बात है कि ठंडा का मौसम था, माघ का महीना था, पूरा हवा चल रहा था, पछिया पूरा ठंड लग रहा था, पूरा थरथर शरीर कांप रहा था, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था। और मछुआरा जो थे, बूढ़े मछुआरा, उनको पूरा शरीर कांप रहा था, वो मछुआरे के बोले कि आज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रहा है, ठंडा का मौसम है, आज हम मछली फंसाने नहीं जाएंगे, वो जो मछुआरा थे वो शंकर भगवान के पूजा करते थे, मछली मारते थे इसलिए वो पूजा करते थे, शंकर भगवान से जाके यही कहते थे मंदिर में कि भगवान हजारों जीव को हम रोज लेते हैं जीवन, लेकिन इस जीवन के लेने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरा पैसा यही है, रोजगार यही है भगवान। और यही कह के रोज़ वो मछुआरा पूजा करता था, रोज़ मछलियाँ मारता था और शंकर भगवान के जल भी चढ़ाता था। कहता था जिन हाथों से हम मछलियों के जान लेते हैं उन्हीं हाथों से आपको जल चढ़ाने आए, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और भगवान के ऐसा कह के और जल चढ़ा देते थे, पूजा कर देते थे। भगवान उनको पे बहुत खुश थे, इतना खुश थे कि कोई कहना नहीं। भगवान यही से खुश थे कि हाँ, ये जो मछुआरा है, ये मछुआरा गलती करता है लेकिन मंदिर में अपना गलती को माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांग के कहता है भगवान मेरा पैसा है, मेरा जो रोजी रोटी है, मैं क्या करूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये बहुत अच्छा है, इन पे बहुत खुश रहते थे। एक दिन का वो दिन जब पूरा कांप रहा था, मछली फंसाने को लिए नहीं जा रहा था, लेकिन जो उनको बूढ़ी पत्नी थी वो कह रही है कि नहीं कहे जाइएगा, आपको जाना पड़ेगा, नहीं कहे जाइएगा, क्यों नहीं जाइएगा, आप यदि नहीं जाइएगा तो आपका शाम को भोजन नहीं देंगे। और एक झाड़ू लेके और पूरा झाड़ू देने लगी अपने पति को और कह रही है कि मछली नहीं फंसाओगे तो खाओगे क्या। बूढ़े जो मछुआरा थे वो बोले कि खाने का क्या, अनाज का कमी है क्या, दाल का कमी है, सब्जी का कमी है जो तुम मुझे भेज रही हो, हम आज नहीं जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब बुढ़िया मारने लगी झाड़ू से तो क्या करे बेचारा, अपना जाल लेकर और चल गए तालाब में, चल गए और जाके कह रहे कि हे गंगा माँ, मैं क्या करूँ, मुझे आज जीवन हत देना बहुत अच्छा लगता है, आज जो मेरी बुढ़िया है वो झाड़ू से मुझे मारी है मछली फंसाने को लिए, मछली तो फंस जाएगा लेकिन बेचने कौन जाएगा, बेचने को लिए भी कहेगी, हम क्या करेंगे गंगा माता, मुझ पे सहायक की आज होइए, रहम कीजिए। हे शंकर भगवान, सचमुच में यदि आपको जटा में बसते होंगे गंगा, तो आप सचमुच में मेरा जाल में मछली नहीं फंसेगा, यदि मछली फंस जाएगा तो बेचने कौन जाएगा,
इतना ठंड लग रहा है, हवा चल रहा है, बारिश भी हो रहा है, यदि मछली फंस जाएगा तो मछली बाजार लेकर हम नहीं जा सकेंगे। ये गंगा माँ के मना के, शंकर भगवान के मना के, और जाल को तालाब में फेंक दिया, तालाब में फेंका हुआ जाल दिन भर रह गया, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसा। बुढ़िया गई आसपास देख के कि लगता है वो कहीं जाके छुप के बैठ गया है बारिश के कारण। वो देखने गया तो देख रही है बुढ़िया कि जो बूढ़ा है वो थर थर काँप रहे हैं, लेकिन फिर भी तालाब में बार बार हेल रहे हैं, जाल फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक भी मछली नहीं फंसा। और बुढ़िया जाके बोली, आज मछली नहीं फंसा। ये कहते हैं मछुआरा, नहीं आज मछली नहीं फंसा, मैं क्या करूं, आज एक भी मछली नहीं फंसा है, मैं दुखी हूं, आज क्या चीज बाजार लेके जाऊंगा। ये बुढ़िया बोली, देख लीजिए शाम तक, यदि फंस जाता है तो ले आइएगा, बेच लाइएगा, नहीं तो चल आइएगा घर, और क्या कहूँ। बुढ़िया इतना कह के चल दी। ये जो शाम हो गया तो इनका जाल में एक पूरा चमचमाता मछली फंस गया, पूरा चमचम चांदी की तरह मछली झलक रहा था, एक छोटा मछली था वो फंस गया। ये बूढ़ा जाल में लेकर ऊपर आ गए और सोच रहे हैं कि एक मछली को लेकर और हम क्या करेंगे, बाजार भी नहीं लेकर जा सकते, इसको भूंज भी नहीं सकते हैं, एक ही मछली है, हम क्या करें। इतने में मछली हंस पड़ी तो ये जो मछुआरा थे, बूढ़ा मछुआरा, वो कहने लगे, मछली आज तुम भी मुझे देखकर हंस रही हो, आज मेरा समय ही ऐसा है, क्योंकि आज मैं तो जाल फेंका था भगवान के नाम लेके कि आज मेरा मछली ना फंसे, लेकिन हंसो मत, कल का मछली ज़रूर फंसेगा, इसीलिए हम को आज नहीं फंसा तो हमें आराम मिला, बाजार नहीं जाना पड़ेगा, और मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इतना ही में मछली रानी कहती है, मछुआरे भाई तुम नहीं जानते हो हम कौन हैं, हम जो पूरा समुद्र के रानी है उनका बेटी हूँ, मछली रानी जो समुद्र में रानी बन के रहती है, उस पूरा समुद्र के रानी है, उन्हीं का बेटी हूँ, बोलो क्या तुम्हें मांगना है, मुझसे वरदान मांगो और मुझे इसी तालाब में छोड़ दो, हम अपने माँ के पास चल जाएंगे, यदि माँ के पास हम नहीं पहुँचेंगे तो मेरी माँ व्याकुल हो जाएगी और मेरी माँ जिंदा नहीं रहेगी, मेरी माँ प्राण अपना हत देगी। ये मछुआरा कहते हैं, ऐसे भी तो हम इस मछली को तालाब में डालने ही वाले थे, क्या मांगू, आप क्या दे सकते हैं, आप तो खुद एक मछली हैं। ये मछली रानी कहती है, बाबा आप जो मांग लेंगे वही हम देंगे, बोलिए आपको क्या चाहिए। बाबा बोले, आज नहीं हम कल बताएंगे, हम जा रहे हैं अपने घर, मुझे ठंड लग रहा है। ये बोले, तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगा, जाओ। ये मछुआरा कभी भी मछली मारेगा तो उसको ठंडा नहीं लगेगा, जाओ मछुआरे, जाओ घर चल जाओ। ये मछुआरा घर चल गया, एक आशीर्वाद तो मिल गया कि इसे ठंडा नहीं लगने लगा। घर आया तो अपनी मछुआरी से बोला कि क्या कहूँ, जब आने लगे तो एक मछली फंसा, बहुत छोटा, बहुत चमचम कर रहा था मछली, उस मछली को हम दोबारा समुद्र में डाल दिए, नहीं घर लेकर आए। ये कहती है बुढ़िया, पूरा चिल्लाने लगी, आप क्यों नहीं मछली लेकर आए, एक ही मछली था, हम उसको पका के चोखा बनाते, हम खा जाते, क्यों आप मछली नहीं लाए। ये बोले मछुआरा भाई, देखो वो समुद्र के जो रानी थी उसको बेटी थी, उन्होंने बोला है कि जो तुम मांगोगे वो हम देंगे, समय आने पर जब भी तुम मांग लेना मुझसे हम दे देंगे, मुझे छोड़ दो, इसीलिए छोड़ दिए। मछुआरिन बोली, जाइए मछली को आप बोलिए कि हम मेरे घर में खाने को लिए नहीं है, मेरा घर में ऐसा कर दो कि जिसमें खाने का पूरा भर जाए अनाज से, सारा अनाज मेरा घर में रहे। ए बूढ़े गए और जाके और मछली से बोले, मछली रानी मेरी विनती सुन लो और मेरे मछली रानी विनती सुनी लो हमार हो, मेरे घर आयान भर दो धन लक्ष्मी अपार हो,
मेरे घर आया न भर दो धान लक्ष्मीया पार हो। वो मछली छड़पते किनारे आ गई और कहती है कि क्या हुआ। ये बोला मछुआरा कि मेरा घर में अन्न धन नहीं है, भर दो। ये जो मछली थी वो बोली जाओ बूढ़े घर चल जाओ, जाल मत फेंको नहीं तो फिर हम फंस जाएंगे, तुम मार दोगे, तुम लालची हो, जाओ घर चल जाओ, तुम्हारा घर में अनाज हो जाएगा। ये मछुआरा चल दिया घर। घर चल दिया तो देख रही है कि पूरा घर में सगरो अनाज भरा हुआ है, पूरा कोठी सूप दौरी सब भरा हुआ है, किसी चीज़ भी खाली नहीं है। इसकी अपना पत्नी को देखी कि सूप में चावल लेकर फटक रही है कि अनाज हो गया घर में, तो हाँ हो गया। फिर सुबह हुआ तो इसकी पत्नी कह रही है कि ऐसा कीजिए ना, जाके मछली को बोलिए कि मेरा पत्नी का कपड़ा नहीं पहनने का है और गहना उसको दे दीजिए, अनाज तो हो गया है लेकिन कपड़े और गहना उसका नहीं है, फटा हुआ पहनती है। ये बूढ़ा फिर से गए और जाके कह रहे हैं मछली रानी अगम अपार हो, अरे मेरे घर बुढ़िया के दे दो भरला भंडार हो, तना माँ पर बस्तर नाही ना सिरा ऊपर गहना हो, बुढ़िया के दे दो मछली गहना हजार हो, बुढ़िया के दे दो मछली सड़िया हजार हो। ऐसे कहने लगा तो मछली आई किनारे में, कहती है कि जाओ जाओ तुम्हारा घर में गहना भी हो जाएगा सड़िया भी हो जाएगा, जाओ। ये बूढ़ा बाबा लौट कर चल आए और देखें कि बुढ़िया पूरा नए साड़ी पहन ले है और गहना हजारों पहन ले है, पूरा शरीर पर इसका गहना से जड़ा हुआ है। बुढ़िया खुशी से रहने लगी। रहते 2-4-6 महीना बीता तो फिर कह रही है अपने पति से कि खाने को लिए तो हो गया, पहनने को लिए भी हो गया, लेकिन रहने को लिए अब टूटा हुआ घर है अच्छा लगता है। जाके मछली से बोलिए ना मेरा घर बन जाए। जाके ये बूढ़ा बाबा गए और नदी के वही तालाब के किनारे और कह रहे हैं मछली रानी दुखवा हजार हो, रह के है टूटल झोपड़ी पनिया चुई सार हो, रह के है टूटल झोपड़ी पनिया छूट सार हो, छत पीट वायदा मछली रहला हमार हो, छत पीट वायदा मछली महल बनवा दा हो। कह रही कि हमको छत पिटवा दो, महल बनवा दो, हमको रहने को लिए तकलीफ है। मछली फिर किनारे में आई और बोली कि आपका रहने का ठिकाना नहीं है, आप घर जाइए आपका बन जाएगा। ये बेचारा जो बूढ़ा था वो घर आ गया लौट के, तो देख रहा है कि खूब सुंदर मकान बन गया, खूब सुंदर, इतना सुंदर कि कहना ही नहीं है। सारा लोग कहने लगे अरे ये बूढ़वा मछुआरवा कितना पैसा रख लेता, रातों रात घर बना लेता है, इसको घर में अनधन हो गया। उसको बेटा बहू को पूरा सब कहने लगा कि देखो तुम्हारे पिताजी कितना धन रखे हुए थे, बुढ़ारी में देखो सब कुछ बना लिए, घर बना लिए, माँ के गहने बना लिए, साड़ी हजार किस्म के लाते हैं, खाने पीने का अरे दूरे उनका घर में इधर चावल गिरा हुआ है, उधर गेहूँ गुरा हुआ, उधर दाल गिरा हुआ है, सगरो एकदम पूरा सूप दौरी बट्टा तक भरा हुआ रहता है कोठी छोड़ के, बताइए तो कोठी में भरा रहता है, जब भरे रहता है दोनों बेटा कमाते हो इतना लेकिन फिर भी तुमके पास नहीं है, और देखो तो तुम्हारे माता पिता के पास इतना धन है, कितना धन कहाँ से तुम्हारे माता पिता लाए। लेकिन फिर भी बेटा बहू कहते थे कोई बात नहीं, माता पिता मेरे मरेंगे तो क्या धन को साथ ले जाएंगे, इससे हमें क्या दिक्कत है, माता पिता रखे हुए थे तो अपने परवरिश के लिए बनाए, इससे हमें तकलीफ नहीं है, ऐसा कह के बातों को टाल देते थे, बात को टाल देते थे और लोग चुप हो जाते थे। ऐसा ही करते 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 कुछ दिन हुआ और फिर ये जो बुढ़िया थी वो बोली
कि देखिए आज जाके मछली से बोलिए कि आप जाइए, मछली से बोलिए कि मेरे घर में 2-4 नौकर लग जाए, क्योंकि हमको रखने उठाने में बहुत परेशानी होता है, इतना धन हो गया है और झाड़ू लगाना पड़ता है पूरा मकान में, हमसे नहीं होगा, 2-4 नौकर मुझे दे दे, राजा की तरह मेरा पूरा घर में नौकर हो जाए और रसोई बनाने वाला कोई और रहे। ये बूढ़े बाबा बोले, नहीं हम नहीं जाएंगे। ये मछुआरा बोले, हम नहीं जाएंगे। जब तुम्हें अन्न नहीं था खाने का तो अन्न हो गया, गहना नहीं था गहना हो गया, तुम्हारा शरीर पे वस्त्र नहीं था वस्त्र हो गया, घर नहीं था घर हो गया, और हम नौकर चाकर के लिए जाएं, अब नहीं जाएंगे। ये बुढ़िया फिर से झाड़ू उठाई, फिर से झाड़ू उठाई और मार मार के पूरा बूढ़े मछुआरे को बुखार लगा दिया, पूरा देह को चूर दिया और बोला, तू रह के क्या करोगे बताओ, अब तुम्हें हम जीने नहीं देंगे, अब तुम्हें जीने नहीं देंगे, नहीं तो जाओ। बूढ़े जो मछुआरा था वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, अब मैं जा रहा हूँ उस मछली के पास, मुझे छोड़ दो, अपना जान बचा लिए। और बचा के और उस तालाब के किनारे गए, तालाब के किनारे गया, हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हाथ तो रजोड़िया मछली बिनती हमार हो, यर जतना धन मा देला मछली सब धन बेकार हो, यर जतना धन मा देला मछली सब धन बेकार हो, यर झड़ुआ के मरिया से दैया फाटल हमार हो, यर झड़ुआ के मरिया से दैया फाटल हमार हो। ये बोला कि जितना धन दिया सब धन बेकार है, झड़ुआ के मार से तो हमारा शरीर फट गया, अब धन काहे लगी रहेगा। मछली आई और बोली कि क्यों विलाप कर रहे हो मछुआरे, क्यों रो रहे हो, क्या दुख पड़ा? ये मछुआरा बोला, क्या कहूँ मछली रानी, आज सब दिन आते थे मांगने को लिए, लेकिन आज हम कुछ देने आए हैं। ये बोले कि क्या? बोले कि देखिए, हम यही चाहते हैं कि जितना जो हम वरदान मांगे हैं, हम मांगे थे कि मेरा घर में अनाज नहीं है, मुझे अनाज दे दो तो मेरा घर का अनाज सब खत्म हो जाए, जैसे था वैसा ही हो जाए, और मेरा जो झोपड़ी था वैसा ही झोपड़ी हो जाए, और मेरा जो पत्नी जैसे पहनती थी उसी तरह उसका शरीर पे हो जाए, और हम जाए आवाज के 7वें दिन मेरा मृत्यु हो जाए, यही हम मांगते हैं, उसको बाद हमारी बुढ़िया को पता चलेगा। मछली रानी बोली, ठीक है जाओ हो जाएगा। ये बूढ़ा चलाया, बूढ़ा चला आया, जैसा ही घर में गिरी अपना पैर धरा वैसा ही इसका घर जो था महल वो झोपड़ी हो गया, और अनाज जो था वो सब खत्म हो गया, जो बुढ़िया के तन पे वस्त्र और गहना था सब खत्म हो गया, बुढ़िया जैसे फटल पहनती थी वैसा ही पहनने लगी, जैसे बुढ़िया का दुख था वैसा ही दुख हो गया। ये बुढ़िया पूरा चिल्ला के और फिर से झाड़ू लेके मारने को लिए दौड़ी कि हम बोले थे कि धन मांग लाओ नौकर मांग लाओ, तो ये क्या मांग लिया? ये बोला कि जिसको ज़्यादा आराम होता है वो दुख चाहता है, इसीलिए मछली से हम जब नौकर जाकर मांगे तो हमें नौकर चाकर ना देके पूरा धन ही समाप्त कर दिए, और 7वां दिन मेरा मृत्यु हो जाएगा। ऐसा सुनने से बुढ़िया घबरा गई और कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो वचन मिल गया था वो कैसे टल सकता था। बूढ़ा बाबा के 7वां दिन मृत्यु हो गया, शंकर भगवान उसे अपने साथ बुला लिए, शंकर भगवान जीते जी उसके स्वर्गवास करवा दिए, क्योंकि ये जो बूढ़ा बाबा थे वो शंकर का पुजारी थे, कितना ही मछली मारते थे लेकिन फिर भी प्रतिदिन शंकर भगवान का पूजा करते थे, उनका हर जीव हत्या माफ था, शंकर भगवान के साथ हो बूढ़ा बाबा चले गए, और जब चले गए तो उनका रोकने वाला कौन है? बूढ़ी मामा को जो गति लिखा हुआ था वो लालची थी तो लालची बन के रह गई पृथ्वी पे, जो गति लिखा हुआ था वो गति उनको पूरा हुआ जो बाकी था से और हुआ होगा। गुरु भाई बहन, लालच बुरी बलाय होता है, लालच का फल मीठा नहीं होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, जो मेहनत करके परिश्रम करके जो कमाते हैं उसी में संतुष्टि होता है,
दूसरे को धन देकर नहीं, दूसरे को धन देकर लालच नहीं करना चाहिए। जैसे वो बुढ़िया जहाँ जिस जगह पर थी उसी जगह पर लास्ट में आ गई। गुरुभाई बहन, शिव गुरु सब पे दया करते हैं, उस बूढ़े बाबा पे भी दया किए, मछुआरे पे, वैसा ही सब पे दया करते हैं। गुरुभाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।